महाराष्ट्र में मानसून आने वाला है, दो दिनों बाद यहाँ बारिश का असर है। गुजरात में भी इसका असर देखने को मिलेगा। खुफिया एजेंसी को अब जानकारी मिली है कि बिश्नोई का भाई अनमोल देश से भाग गया है, वहीं बिश्नोई का भतीजा सचिन फरार है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये दोनों पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के मुख्य कोऑर्डिनेटर थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस कार्रवाई से हम भयभीत नहीं होंगे, अभद्र भाषा की आलोचना करने और अभद्र भाषा बोलने की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में यति नरसिंहानंद, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल आदि के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने का साहस नहीं है। ईरान के पहले के बयान में दावा किया गया था कि उसके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन को एनएसए डोभाल ने बताया था कि जिन्होंने पैगंबर पर ये विवादित बयान दिए हैं उन्हें सबक सिखाया जाएगा। अब वे अपने पुराने बयान से हटकर आज अपना रुख बदल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड के 7,240 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले दिन आए 5,233 मामलों से काफी अधिक है। आज सोना 98 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में 363 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई। इस तेजी के बावजूद फिलहाल सोना 51,100 और चांदी 62,000 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूसी नाकाबंदी के कारण लाखों लोग भूखे मर सकते हैं। मेक्सिको सिटी में एक मेयर को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब एक नया पुल उद्घाटन के समय टूटकर बिखर गया। इसके करीब 20 लोग गहरी खाई में गिर गए। टीम इंडिया के मुकाबले से पहले कप्तान पद ने सलामी बल्लेबाजों पर एक बड़ा संकेत दिया है। पद ने संकेत दिया कि ऋतुराज गायकवाड़ के शीर्ष क्रम में चोटिल के एल राहुल की जगह लेने की संभावना है। उनके ओपनिंग साथी ईशान किशन हो सकते हैं।